नमस्कार आम विशेष आलोचना मत को स्वागत करछी चिन्मय दर्शक बंधु आज मत विषय वस्तु रही पद्म धरिपे मिथुन दा आम से मिथुन को कथा कहचु आप भल भाव जानी जी बॉलीवुड जगतर पूरा चर्चित अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कथा आम कौच सी आज बीजेपी सामिल हे आज जिते पश्चिमबंग गस्तरे रही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एही अवसर रे ब्रिगेड मैदान रे आयोजित थिबा रैली रे जोग देबे मिथुन चक्रवर्ती। तबे मिथुन चक्रवर्ती से राजनीति रे नुआ नुहंती 2014 मसीहारु से टीएमसी रे मध्य राज्यसभा सांसद रो प्रार्थी भाबरे निर्वाचित होइथिले आउ 2016 रे कोनोसी कारणवशतः से राजनीति रु ओहरी आसीथिले बा टीएमसी छाडीथिले किंतु सेते दिन पर्यंत पूरा टीएमसी ठू दूरेथिले एवं आज जो खबर आसी पहुँचुचे जे पुणी बीजेपी रे जोग देउछंती मिथुन चक्रवर्ती। तबे पश्चिम ओडिशा क्षमा करिवे पश्चिमबंग रे जेतेबेले टीएमसी बा दीदींकर ललकारा सबुठी रहिछि दीदी आउ दीदी पाखापाखि दुई थर निर्वाचन रणनीति जीति सारी ता भितर बीजेपी वर्तमान रणनीति प्रस्तुत करुच्छे किभली सेठी बाजीमात कर किभली टीएमसी को सेठी टक्कर देव या भितर मिथुन चक्रवर्ती एवं अनेक बड़ बड़ नेता जिते बीजेपी को आसुचंती कोठी ना कोठी दल आहुरी स्ट्रंग होगा लगी तेरे एने की आम आलोचना करुचे मतरे मो सहित न्यूज रूम जोड़ी होती मो सहयोगी नेहार जोड़ी होती तबे निहारिका आपण पाखक जीवापाई चाहिबी एवं जानबा मिथुन चक्रवर्ती जहांको ना आसुछि वर्तमान जे कि बीजेपी रे शामिल हेबा पई जाउछंती वर्तमान जदि पश्चिम बंगरे मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी रे शामिल होउछंती वास्तविक भाबरे तांकर क्यारियर विषय रे जानबा एवं दल पई प्रथम ए केते फायदा हबो। निश्चय भाव में चिन्मय वर्तमान जोटा सबुठ बड़ खबर मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी रे मिसिया को जाउछंती आ ता पूर्वर मु निश्चय भाव में चिन्मय कहि रखिबी आज कोलकाता वेस्ट बंगाल बा कालकाटा रे जेमती कहले आपण ब्रिगेड मैदान रे जो प्रकार प्रधानमंत्री राली होची सेटा गोटे ऐतिहासिक राली हबाकु जाउची एटा केवल एक निर्वाचन राली नुहे वर्तमान कहिबाकु गले कलिकता रे बा ममता सरकार रो जो एते वर्ष धरि जो क्षमता थिला ताकु कोनोसी ना कोनोसी प्रकार गोटे परिवर्तन हेबो बोली आजिर राली रु संकेत दउची। आ तापरे जदि आमे एटी मिथुन चक्रवर्ती कथा को आसीबा ये निश्चय भाव में कहवाक चाहिए चिन्मयी कि मिथुन चक्रवर्ती बहुत दिन 2016 मसीह टीएमसी से ही समय ममता सहित हो दल सहित हो कि गोटे प्रॉब्लम होता कौन प्रकार मतरे कौन प्रकार विभेद देखा देखा जो मिथुन चक्रवर्ती से ही टाइम टीएमसी छाड़ी तापर अनेक दिन धरी से पॉलिटिक्स टू दूर रही वर्तमान समय रे आज जो खबर आसुचे मिथुन चक्रवर्ती वर्तमान कहवाक चाहिबी जे ऑलरेडी ब्रिगेड मैदान रे जो मंच अच्छी ताऊपर मिथुन चक्रवर्ती आसी सारे स्वागत करा जाई सारे केवल अपेक्षा रही प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री दिन गोटाए बा दुईटा मध्य से उपस्थित होते आपस्थित मिथुन चक्रवर्ती जमी आपण कहले बॉलीवुड रो बहुत बड़ चर्चित चेहरा से बहुत बड़ आक्टर केवल बॉलीवुड नुहे ये कहवाक चाहूँ टॉलीवुड जोटा कि बेंगल जोटा कि बेंगली फिल्म रो से भी जने बहुत नामकरा आर्टिस्ट जदिओ से हिंदी फिल्म रे आमे विशेष भाव में देखीचु किंतु जो माने बेंगली ऑडियंस अच्छा से माने जानी मिथुन का कैरेक्टर केते स्ट्रांग आउ से केते भल भल मूवी भी करचंती तेणु कहवाक गले जमती इंडिया पई हो कि सेहीपरी भाव में टॉलीवुड जगत रे हो कालकाटा हो पूरा बेंगल पई मिथुन गोटे बहुत बड़ ना जमती कि आम देखुचे मिथुन दा ना रे से बहुत पॉपुलर अच्छा आई समय से ऑलरेडी स्टेज पर अच्छा अपेक्षा रही प्रधानमंत्री को ये कहवाक चाहिए वर्तमान समय जहाँ न्यूज आसे वर्तमान पर इंडक्शन कर प्रधानमंत्री उपस्थित से बीजेपी में सामिल हे निश्चित भाव में निहारिका जेहेतु वर्तमान मिथुन दास सेठे पहुंची सारी राली रे जोगद सारी आउ किसी समय अपेक्षा प्रधानमंत्री आसबे स्वागत करा जिवो किंतु सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची जे वर्तमान पश्चिम बंगरे राजनीति समीकरण किभली बदलिबो ये मिथुन दास को लेकिन परवर्ती समय आपण पाखु फेरिबी किंतु वर्तमान आम सहित वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू जोड़ी होती श्रीजुक्त साहू आपको आलोचना को स्वागत आपंकठ प्रतिक्रिया नेबा जे मिथुन दास आज बीजेपी में सामिल होती आपड़ जानी जे पश्चिम बंगरे वर्तमान राजनीति पूरा वर्तमान सरगरम रही किभली देखुचंती मिथुन दास बीजेपी में सामिल होगा मिथुन चक्रवर्ती आज बीजेपी में सामिल होती अनेक नेता भितर सामिल होता से क्रम मिथुन चक्रवर्ती भी सामिल होती
ଏଟା କେତେ ଦୂର ବିଜେପି କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫାଇଦା ଦବ କି ନ ଦବ ସମୟ କହିବ, କିନ୍ତୁ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ବିଜେପି ପାଇଁ ମତେ ଲାଗୁନାହିଁ ସେତେ ବଡ ଫାଇଦା ଦବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ରାଜନୀତିରେ ସେ ଯେବେଠାରୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ସେମିତି ସେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଂସଦ ଭାବରେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରଦା ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ସେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଏକ କୋଟି ନଅ ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ସେମାନେ ଫେରେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଥିଲେ ଶାରଦା ଚିଟଫଣ୍ଡ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଗୋଟେ ବିଜେପିର ନିଶ୍ଚିତ ନେତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୋଉ ନଉଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଜେପି ଅତୀତରେ ମାନେ ହୋ ହଲ୍ଲା କରିଥିଲା ଯେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଶାରଦା ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି, ତେଣୁକରି ଯାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ବିଜେପି ଦିନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୁମ୍ବି ତୋଫାନ କରୁଥିଲା ସେଇ ବିଜେପି ସେଇ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀକୁ ସେ ଆଜି ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆ ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକିରି ସେ ରାଜନୈତିକ ସନ୍ୟାସ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ଆତ୍ମନିର୍ବାସନରେ ଥିଲେ। ଆତ୍ମନିର୍ବାସନରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଣିବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦବା, ତ ଏଠି ଯେତିକି ରାଜନୈତିକ ପୁଞ୍ଜି ଗୋଟେଇବନି ବିଜେପି ସେତିକି ରାଜନୈତିକ ପୁଞ୍ଜି କ୍ଷୟ କେମିତି ନ ହବ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଟ୍ରେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି, କାରଣ ସେଇ ନେତାଙ୍କୁ ସେ କଳଙ୍କିତ ନାୟକ ହିସାବରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଜି ନାୟକ ଭାବରେ ମଞ୍ଚରେ ଛିଡ଼ା କରାଉଛି ତାଙ୍କୁ କଳଙ୍କିତ ନାୟକ ଆଖ୍ୟା ପିନ୍ଧେଇଥିଲା ଆଗରୁ ବିଜେପି, ଏବଂ ଏହା ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡିବ କି? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛି, ଆପଣ ଯାହାକୁ କଳଙ୍କିତ ଗୋଟେ ନାୟକ ହିସାବରେ ବା ଭିଲିଆନ ହିସାବରେ ଆପଣ ଅତିରିକ୍ତରେ ଚିତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନାୟକର ଟିକା ପିନ୍ଧେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେଇଟା ଦେଖିବେ, ଭୋଟର ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଦେଖିଛେ, ଆମେ ସେଇ ଭାରତର ଅଧିବାସୀ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଜେଲରେ ଥାଇକିରି ବି ନିର୍ବାଚିତ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଭାରତୀୟ ଯୋଉ ଭୋଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୋଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ବିହେଭିୟର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେତେବେଳେ କଣ ରୁହେ ତାକୁ କହି ହୁଏନି। ମର୍ଡର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ହତ୍ୟାକାରୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଭିତରେ ଜିତୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ୟୁଫରିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ବଡ ନାୟକ ଟଲିଉଡ୍ର ବଲିଉଡ୍ର, ସେ ଟଲିଉଡ୍ର ଠିକ ଅଛି, ଟଲିଉଡ୍ର ନାୟକ ଥିଲେ, ବଲିଉଡ୍ର ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଯୋଉ ସିନେମାରେ ସେ ଆସିକିରି ଗୋଟେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଛବି ଛାଡି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ରାଜନୈତିକ ନେତା, ସିଏ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ ବାଗ୍ମୀ, ସିଏ ଗୋଟେ ପରିପକ୍ୱ କିମ୍ବା ପଲିସି ମେକିଂରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲ ମେକିଂରେ ଗୋଟେ ଯିଏ ଏମଏଲଏ ହୁଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହୁ ଲ ମେକର, ଲେଜିସ୍ଲେଟର କହୁ, ଜଣେ ଲେଜିସ୍ଲେଟରର ପଲିସି ମେକିଂରେ ଲ ମେକିଂରେ ଯୋଉ ଅବଦାନ ଥାଏ ସେଇ ଅବଦାନର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ଛାଡି ଯାଇ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯେ ଶାରଦା ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମର ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯୋଉ ଶାରଦା ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ଆପଣଙ୍କର ସିବିଆଇ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା, ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ନହେବ ବୋଲି ଆଗତୁରା ସେ ଏକ କୋଟି। ଶ୍ରୀ ସାହୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାରଦା ଚିଟଫଣ୍ଡ ପାଇଁକି ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯେମିତିକି ଆମର ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର କୌଣସି ସିଟ୍ରୁ ଛିଡ଼ା ହେବେ ବା କାଲକାଟାର କୌଣସି ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳରୁ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଅଡିଏନ୍ସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଯାଉନି, ସେ କେବଳ ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଶାରଦା ଚିଟଫଣ୍ଡ ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ବଦନାମ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ତ କେତେ ଦୂର ବିଜେପି ପାଇଁକି ଏଇଟା ଖରାପ ହେବ କି ଭଲ ହେବ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିଲେ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଆଗ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କହିବି ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ସେ ଲଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି,
ତାହେଲେ ଆଜେ ଆକ୍ଟର ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟାର ଷ୍ଟାରି ଇମେଜ ତାଙ୍କର ଅଛି ସେଇଟା ବିଜେପି ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ସମର୍ଥନ ଦବ ବା କିଛି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ ବିଜେପିର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାରକୁ ଆପଣ ସେଇଟା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଯେହେତୁ ସେ କେବଳ ପ୍ରଚାର କରିବେ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ନ ଲଢିବା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଟର କରୁ ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ ବିଜେପି ହଉ ଟିଏମସି ହଉ ଯେକୌଣସି ଦଳ ହଉ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢନ୍ତୁ ନ ଲଢନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ନେଇକରି ସେ ଟିଏମସି ଯାଉ କି ବିଜେପି ଯାଉ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ଯାଉ କି କଂଗ୍ରେସ ଯାଉ ହ୍ୱାଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଦେ କ୍ରିଏଟ ଦେ କ୍ରିଏଟ ଆନ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ହିଅର ଇଜ ଏ ପାର୍ଟି ହୁ କ୍ୟାରେଜ ୱିଥ ଦେମ୍ ସମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ଇମେଜ ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହଉଛୁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି ଆମେ ହଉଛୁ ସେଇ ଦେଶର ଲୋକ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ପୁଅକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜିତେଇ ଦେଇ ଆସିଲେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭୋଟରଙ୍କର ବିହେଭିଅର କ'ଣ ହବ କ'ଣ ନ ହବ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ କଥା କହିବା ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ଚିଟଫଣ୍ଡ ସ୍କାମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଏସ୍ସି ସେଥିପାଇଁ ପେଶୀ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକ ସେ ସମୟରେ କାହାକୁ କେତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ ତେବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ତାମଲୁକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନାବୁରାମ ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ଆପକୋ ସ୍ୱାଗତ ହେ ହମାରି ଚ୍ୟାନେଲ ମେ ଓର ଆପକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଫାଷ୍ଟ ଲେନା ଚାହେଁଗେ ଯୋ ଅଭି ମିଥୁନ ଦା ଆପକେ ଦଲ ମେ ଆଏଙ୍ଗେ ଓର ଦଲ ମେ ଯୋଗ ଦେଙ୍ଗେ ଇସକେ ବାଦ ଆପକୋ ଦଲ କୋ କ୍ୟା ଫାଇଦା ହୋଗା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ବୋଲିଏ ଅଭି ମିଥୁନ ଜୀ ଆନେ ସେ ଆପକୋ ଆପକି ଯୋ ଦଲ ହେ ଓ କିତନା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଗା ହ୍ୟାଲୋ 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 ନାୟକ ଜୀ ଆପ ସୁନ ପା ରହେ ମୁଝେ ନାୟକ ଜୀ ଜାନେ ଚାହେଁଗେ ମିଥୁନ ଜୀ ଆନେ ସେ କ୍ୟା ଫାଇଦା ହୋଗା ଦଲ କୋ ହ୍ୟାଲୋ କ୍ୟା ଥୋଡା ଯୋ ଅଭି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ଯେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିରେ ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଲାରା ଲାଗି ରହିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନାୟକ ନାୟକ ସାର୍ ଆପ ସେ ଜାଣିନା ଚାହେଁଗେ ଯେ ଅବ ମିଥୁନ ଜୀ ଆନେ ସେ ଦଲ କୋ କ୍ୟା ଫାଇଦା ହୋଗା देखिए मिथुन जी तो बंगाल का एक कल्ट फिगर है और उनका तो प्रभाव बंगाल में हर कोने में है तो इसके लिए तो प्रभाव तो पड़ेगा ही वो तो तृणमूल उनको बहुत सारे जगह पे उनको लेके प्रचार अभियान किए थे 2016 में और उसके बाद उनको एमपी भी बनाया था लेकिन ये जो शारदा चिट फंड का किस्सा है उसमें उनका नाम भी घसीटा गया फिर उन्होंने तो ईडी से बात करके उनका तो क्लीन चिट हो गया तो इसलिए मिथुन चक्रवर्ती का तो पूरा बंगाल में एक प्रभाव है उसके लिए तो फर्क तो पड़ेगा ही क्या फर्क पड़ेगा अभी तो आप बोल रहे थे कि शारदा चिटफंड में उनके नाम ऑलरेडी खराब हो गया है बंगाल में तो अभी कैसे लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं नहीं खराब नहीं नहीं बोला मैंने बोला उनका नाम घसीटा गया था और ईडी से जो उनका पूछताछ हुआ उसके बाद तो उनको क्लीन चिट मिल गया लेकिन आपके दल आपके दल जो है वो तो उन्हें विलेन सजाए थे ना नहीं तब तो जो चिटफंड का केस आया था उसमें हम लोग तो ये मांग किए थे ना कि भाई निष्पक्ष जांच हो तो जांच हो ईडी से जांच हो ईडी तो जांच ही कर रहे हैं सीबीआई से जांच हो रही है तो उनसे उनका अगर क्लीन चिट मिल गया तो उसमें तो वो तो बेदाग हो गए हम लोग तो उनका जो चिटफंड वाला किस्सा है वो तो भाजपा तो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था ठीक है लेकिन तो अब एजेंसी बंगाल में अब बंगाल में केंद्रीय जो सब नेता हैं आने लगे हैं और प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं उनसे अब जो होम मिनिस्टर हैं वो भी आ रहे हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी आए थे इसमें से क्या फायदा होगा और आप कैसे जो दीदी का ललकारा सब जगह पर है उनको कैसे टक्कर देंगे
नहीं दीदी का अभी कुछ नहीं है, वो बाहर में बंगाल का बाहर में उनका नाम थोड़ा है, इसलिए बाहर से हम लोग को पूछता है दीदी का है, दीदी का है। वो मुख्यमंत्री अभी बने हैं, अभी तो है उनका, इसलिए उनका नाम है। लेकिन अभी हम लोग 18 सीट जीतने के बाद, उसके बाद जो अभी लहर चल रही है पूरा बंगाल में, आज का जो ब्रिगेड का जो समावेश है वो तो ऐतिहासिक होने वाला है। हम लोग जा रहे हैं, अभी ब्रिगेड पहुंचने वाले हैं, तो ब्रिगेड में अभी 2-2.5 बजे तक माननीय मोदी जी का आना है। उसका पहले अभी से जो ब्रिगेड का जो दृश्य हम लोगों का लाइव आ रहा है अब टीवी से, तो उसमें तो मार्ट तो अभी खाली बचा नहीं, तो अभी तो लोग जा रहे हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक सभा जो होने जा रही है, तो लोग तो आ रहे हैं और चारों ओर तो लोग जो जा रहे हैं बसों में भर भर के जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं, कई पैदल जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ मिचिल होके जा रहा है। तो इसमें तो एक माहौल बन गया है कि इस बार तृणमूल को। मिस्टर नायक, मैं यहाँ से पूछना चाहूंगी, आप जो अभी हम लोग मिथुन चक्रवर्ती का जो इंडक्शन होगा उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारा फोकस वही है, तो बोलना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी आपसे, जो मिथुन चक्रवर्ती को अगर बीजेपी में आना ही है, जैसे कि आपको भी पता होगा कुछ दिन पहले आरएसएस के जो हेड है मोहन भागवत के साथ वो मिले थे, तो उसके बाद लोगों को पता चल गया था मिथुन इज गोइंग टू ज्वाइन बीजेपी। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी जबकि प्रधानमंत्री के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो ये क्यों नहीं है कि वो क्यों कहीं से खड़े नहीं हो रहे, वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे, वो सिर्फ प्रचार में क्यों है? तो आपका जो दल है, आपका पार्टी का एक्चुअली क्या, आपका इंटेंशन क्या है? आप लोग मिथुन चक्रवर्ती को ला रहे हैं, उनको खड़ा नहीं कर रहे हैं, बस उनको इलेक्शन का कैंपेनिंग में डाल रहे हैं, तो आप लोगों का एक्चुअली क्या है, आप लोगों का जो एनालिसिस है अंदर का, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? आप मिथुन चक्रवर्ती का यूज इस तरह का क्यों कर रहे हैं? नहीं, अभी तक तो इस्तेमाल नहीं हुआ है, अभी वो आज ज्वाइन करने वाले हैं, उसके बाद पार्टी तय करेगी उसको कैसे यूज करना है। वो तो सेंट्रल लीडरशिप और ये राज्य जो लीडरशिप है वो तय करेंगे, आज उनका ज्वाइनिंग है, उसका बाद तो हम लोग तय करेंगे कि उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसको लड़वाएंगे कि उसको प्रचार में यूज करेंगे, वो तो पार्टी का स्ट्रेटेजिक डिसीजन होगा, वो तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो लेने वाले हैं वो लेंगे। अभी आने से पहले वो बिगबर उनके साथ भी मिले थे, आपका जो हेड है वेस्ट बंगाल के, तो उनके साथ भी मिले थे, उससे पहले आपका आरएसएस के जो मोहन भागवत उनके साथ भी बात हुआ था, उसके बाद वो जोक में हो या इस तरह से वो बोले भी थे कि वो बीजेपी का चीफ मिनिस्टरियल फेस भी हो सकते हैं, तो वो शायद उनका जोक था या सैटरिकली ऐसे ही बोले थे। आपके एक्चुअली पार्टी अभी क्या सोच रहा है, जो उनको अभी आप बोल रहे हैं कि अभी तक पता नहीं है वो लड़ेंगे या बस अपना इलेक्शन का कैंपेनिंग करेंगे, तो वो उनका जो स्टार पावर है, उनका जो स्टार पावर, क्योंकि अभी आप भी बोल चुके हैं कि शारदा चिटफंड में जो हुआ था उनका नाम, वो तो उनको क्लीन चिट मिल चुका है, तो अभी ही इज अ बिग स्टार इन वेस्ट बंगाल, तो उनका जो यूज है क्यों नहीं, आप लोग क्या मुख्यमंत्री फेस के लिए उनका यूज कर रहे हैं या सिर्फ उनको निर्वाचन में कैंपेनिंग करा रहे हैं? तो आपका स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ योर पार्टी? नहीं, स्ट्रैटेजी तो हम टीवी में नहीं बोल सकते, लेकिन वो स्ट्रैटेजी हम लोगों का जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा तो डिसीजन आप लोगों को पता चल जाएगा। आज उनका ज्वाइनिंग हो रहा है, ज्वाइनिंग होने दीजिए, उसके बाद पार्टी तो डिसाइड करेगी कि उनको कैसे काम पे लगाना है। हमारा दल में जितना भी लोग आए हैं, शुभेंदु अधिकारी से लेके राजीव बनर्जी से लेके जो भी आए, उनका अपना जो रोल है वो निभा रहे हैं और पार्टी तय कर रही है कि कहीं से कहाँ किसको कैसे यूज में लाया जाए तृणमूल को हटाने के लिए। तो उनका भी ऐसे हम लोग पार्टी का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग उनका जो सहयोग है वो लेंगे। थैंक यू। तो ठीक है नायक जी, अब आप बोल रहे हैं कि आपकी बात से पूरा लग रहा है कि वास्तविक में ये जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान बीजेपी सभी रणनीति प्रस्तुत कर चुका है और कैसे दीदी जी को और टीएमसी को टक्कर देगा, इसीलिए सब प्रस्तुत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको शामिल होने के लिए। तेज आम आलोचना करूं आम सहित वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू ओडिशा जोड़ी होते पश्चिम बंगरू
नाबुराम नायक जे रही थे कि तामलोक जिला सभापति रही थे सहित आम आलोचना करुले न्यूज रूम रे मो सहयोगी निहारिका नंद जोड़ी थे जहाँ आज आलोचना करुले मिथुन चक्रवर्ती आसवा फल वर्तमान पश्चिम बंग रे बीजेपी आउ के स्ट्रंग हे आलोचना करुले वर्तमान समय सर मत कार्यक्रम को ये रखु नमस्कार।